हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के खुर्जा में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद 112 नंबर पर पुलिस को भी सूचना दी। फिलहाल पति को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वही मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मृतका के परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंधों में बाधक बनने पर आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। उसके भाई के घर बारी बातें लग रहो, आपस में उनमें टेंशन हुआ, उस जैसे वो हमें गोली मार दी। मौके पे पुलिस आ गई, पकड़ लिया। जबकि हत्या आरोपी पति कृष्ण कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी 4 साल से खुर्जा में अलग रह रही थी और कई अन्य व्यक्तियों से उसके अवैध संबंध थे, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। गलत औरत चली थी, वो खुर्जा में रह रही थी, मिले जाने जावे जाए नहीं। दूसरे के एक रोनिया का लड़का है जितेंद्र, और फाड़द्वारी उसका लड़का है, उसके साथ रह रही। कल वो वीडियो बनाती, 12:30 बजे वीडियो देखी मैंने, वीडियो कॉल कर रही, मुझ पर सहन नहीं हुई, मैंने बहुत मना करी। और के साथ थी वो, किसके साथ थी? घर पे गई मेरे 15 दिन पहले, 4 साल में 15 दिन पहले घर पे गई थी। आप मेरे घर पे? मैंने उनसे कहा, मैं बोलो मांझा ऐसे मत करे। उसने उल्टा जवाब दिया कि तू करो जाए तो कर ले, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। मुझे गहरा था, मैं शाम तक चुप रहा, फिर मैंने कुछ करी नहीं, सुनी ना। फिर मैंने बहुत भी समझाई, मांझा के नहीं मान। तुमने तमंचे से उसपे? हाँ, तमंचे से गोली चलाई। खबर बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के चौंदा हबीबपुर गांव से है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद ही 112 नंबर पर फोन करके हत्या की जानकारी भी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वही महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात ग्राम चौंदा हबीबपुर में सविता नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसके पति ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है, बाकी विवेचना का है। पीएम के लिए सबको भेज दिया गया, रात में मुकदमा लिख लिया गया। नहीं, पति हिरासत में है, वो जेल भेज दिया जाएगा। मृतका के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या आरोपी पति के परिवार में किसी से अवैध संबंध थे, जिस वजह से पिछले कुछ समय से मृतका मायके में रह रही थी। दूसरी तरफ पति का आरोप है कि उसकी पत्नी करीब 4 साल से खुर्जा में अलग रह रही थी और कई अन्य व्यक्तियों से उसके अवैध संबंध थे, जिसके चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टाइम 24 न्यूज के लिए खुर्जा से शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।